ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪੀਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि ऑक्सीजन दे सारे सिलेंडर भरवा के रखे जान ताजो लोड़ पैन ते ऑक्सीजन दी कोई कमी ना आवे उन्हां कहा कि बीबीएमबी हस्पताल दे चेयरमैन वलो सख्त हदायतां दित्तियां गईयां है कि ऑक्सीजन दी कमी नहीं होनी चाहिदी ऑक्सीजन दा पूरा स्टॉक भर के रखा जाएगा डॉक्टर शालिनी चौधरी ने लोगों नूं अपील की है कि कोरोना महामारी दे टेस्ट ते कोरोना वैक्सीन लगवाउण दे लई लोग बिना किसी डर दे बीबीएमबी हस्पताल दे विच आउण तां जो वैक्सीन दे नाल ही कोरोना महामारी दे नाल लड़िया जा सकता है अपील करती हूँ कि कोरोना वापस परचम रूप धारण कर रहा है इसको इजीली ना लें प्लीज़ लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग करें अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकले बच्चों के भी स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है तो ये सब इसीलिए ही है कि आप लोग घर पर रहें ताकि हम लोग कोरोना की चेन को रोक सकें लेकिन इसके साथ हम ये भी कहूँगी कि सरकार ने हर जगह भरपूर मात्रा में प्रबंध कर रखा है लेवल 2 फैसिलिटीज़ जगह जगह हैं हम लोगों को भी और बीबीएमबी से और प्रशासन द्वारा हम लोगों को काफ़ी मेडिसिन वगैरह मिलती रहती हैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भ्रांति और भ्रम में ना रहें रिलैक्स ना हो कोरोना की अच्छी तरह से हिदायतों का पालन करें लेकिन साथ में वैक्सीनेट करवाएं और डरे नहीं हम लोग और हमारा प्रशासन उनकी हेल्प के लिए हर संभव कोशिश करेगा और तैयार है हमारे बीबीएमबी हॉस्पिटल नंगल में डेली सैंपलिंग और वैक्सीनेशन हो रही है अभी तक कुल हम लोग अराउंड 13,500 सैंपल कर चुके हैं और रोज़ 40-50 लोगों की वैक्सीन हो रही है सैम्पलिंग हो रही है इसी तरह से अभी तक हम लोग अराउंड 2500 डोजेस वैक्सीन की लगा चुके हैं और आज ही हमारे हॉस्पिटल में 120 एम्प्लॉयज़ की वैक्सीन हुई ये बीबीएमबी और नॉन बीबीएमबी दोनों एम्प्लॉयज़ हैं तो डेली हम लोग अपने सारे एम्प्लॉयज़ को और पूरे टाउनशिप में जागरूकता अभियान फैला रखा है और कल चेयरमैन साहब के साथ वीसी पे भी यही बात हुई और उन्होंने ये हमें आदेश दिया है कि हम 100% लोगों को वैक्सीन करें हमारे बीबीएमबी टाउनशिप का कोई भी बंदा विदाउट वैक्सीन ना रहे और साथ में उन्होंने हमें जो कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइंस दी है हम उसका पालन कर रहे हैं कोरोना वापस एक भयानक रूप में सामने आया है और काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं अभी कोरोना के हमारे बीबीएमबी टाउनशिप में अराउंड 29-30 होम आइसोलेटेड एक्टिव पेशेंट्स हैं जिनकी देखभाल हमारी टीमें उनके घर जा जाकर कर रही है सबको फतेह किट्स बांटी गई है और उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उन्हें हॉस्पिटल में ला के दाखिल करें तो हमारे सारे वर्कर्स मुस्तैदी से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की हिदायतों के अनुसार आनंदपुर तो विमल सैनी की रिपोर्ट ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374-9647 पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाह प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा मोबाइल 98 88 588 38 617
देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।